हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहद मुश्ताक ऑफिशियल। यार मेरा एक दोस्त है, वो क्या हुआ लंदन, तो उसने मुझे अपनी तरफ से गिफ्ट भेजा है, माइक है, वायरलेस माइक, क्योंकि वो ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो उसने कहा कि यार ये भी तेरी चीज़ हो रहा था, तो उसने मुझे भेज दी। उसको करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। तो इसको कैरी करने के लिए एक बॉक्स मिला है इसके साथ, ये इस टाइप का है। चलो ये बॉक्स हो गया इसके साथ, और उस साइड पर इसको जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे मैं इसको लेके उठा के आ गया। इसको ये रहा भाई वायरलेस माइक, ठीक है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से, मेरे ना अंदर सब्र नहीं हो रहा इसको अनबॉक्स करने के लिए। बॉक्स हो गया, इसको भी साइड कर लेते हैं। और ये इसका थोड़ा सा पेपर वर्क है, जो मतलब समझाने के लिए कभी कैसे यूज़ करना है। चलो आज तक यूज़ नहीं किया, बट नॉलेज है मुझे इसकी कैसे यूज़ करना है, बट फिर भी इसको रख लेते हैं साथ में। तो जी ये देखें नजर आ रहा है, ये है इसके अंदर माइक, जो कि मतलब अच्छी क्वालिटी में लग रहा है। ये एक पेपर हैं। एक और ये हो गया इसका रिसीवर, लाइटनिंग में आईफोन में ही लगेगा डायरेक्ट कैमरे में, और कैमरे से ही मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी, मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है, आपके होंट मतलब आपकी वीडियो के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो कहें इसके अंदर और भी साउंड आ रहा है, ऐसे ये है रिसीवर चार्जिंग वाले जो केबल है ना, वो इसके अंदर पुट की गई है। ये केबल, ये इसकी केबल होगी, ये टाइप सी में इसको चार्ज करेगी, ये जगह इसको चार्ज करेगी। तो और इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, पिन है, अगर मेरा मोबाइल खुदा ना खास्ता इसकी बैटरी लो है और अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है, तो मैं ये मोबाइल में लगा होगा कनेक्टर, सॉरी रिसीवर, और यहाँ से मैं चार्जर लगा के अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकता हूँ साथ में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसकी वजह से मतलब बैटरी का मसला नहीं बनता। बाद अवत आईफोन जो है वो बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है, लेकिन अब ये तो नहीं करते, जो मतलब छोटे मॉडल्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये विदाउट माइक थी आवाज़, अब माइक के साथ मैं आपको सुनाता हूँ, ये कनेक्ट कर लूँ एक बार तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली यार ये कनेक्ट हो चुका है, अब आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी नॉइस कैंसिलेशन के साथ है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। और मुझे ये साथ में ये जो एक बॉक्स कैरी करने के लिए ये चीज़ मिली है, तो अच्छी चीज़ है यार, ऐसे बंदा जेब में रखा था चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, और दिल खुश हो गया, यकीन मानो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं जब कमरे में बैठा होता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, या कोई एक्टिविटी शूट करता हूँ, या गेम्स ब्लॉग शूट करता हूँ, तो उसमें पंखे की भी जो हवा होती है वो आईफोन के अब जो माइक है ना उसमें भी रिकॉर्ड होती है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी चीज़ थी। अब मुझे ज़्यादा खास एडिटिंग नहीं आती आवाज़ को एडिट करना, क्योंकि उसके लिए पीसी बहुत हाई लेवल का चाहिए, मैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से तो आवाज़ मेरी सही से नहीं होती थी। अब इसकी वजह से ये कनेक्टेड है, तो अभी इसकी आवाज़ में भी रिकॉर्ड अच्छी से हो रही होगी। और ये 20 मीटर तक मैं जाऊंगा ना, अब यहाँ से मैं अगर मिसाल दे रहा हूँ 20 मीटर दूर चला जाता हूँ, तो ये आवाज़ डिले नहीं करेगा, आवाज़ इसकी एक्यूरेट आप ये आप तक पहुँच रही होगी वीडियो में, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस वजह से क्योंकि आपकी जो आवाज़ होती है वो आपकी वीडियो की मतलब पहचान होती है किसी की, आपकी आवाज़ जब तक आपकी वीडियो में नहीं है आपकी वीडियो किसी काम की नहीं है। तो बस मैं तो खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और इस वीडियो का एक साथ करता हूँ दी एंड, एंड थैंक यू ब्रदर नबील, क्योंकि वो उसी ने लंदन से भेजा है। तो यार ये सिनेमैटिक का 3x मैंने ओपन किया हुआ है, इस वक्त 1x भी नहीं है, 1x में तो बहुत क्लोज आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं दूर जा रहा हूँ। इसकी जो मतलब दूरी है वो 20 मीटर तक है, 20 मीटर के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, अभी पीछे मुझे नहीं पता 20 मीटर कितना होता है, अंदाज़ा नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी आवाज़ मिसिंग होगी तो वहाँ पे ऐसे लगेगा कि हाँ भी यहाँ से मिसिंग हो रही है। अभी मैं इतना दूर आ चुका हूँ, मेरे हिसाब से ये बहुत है दूरी, ठीक है। तो अब मैं करीब आता हूँ, देख आवाज़ आ रही होगी, तो ये अच्छा सा गिफ्ट मिला है मुझे, बहुत ही मैं खुश हूँ।
मैंने सुबह ही वीडियो का एंड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा बस एंड हो जाने था, लेकिन मुझे था कि मैं आपको दिखाऊं इसकी दूरी ही कितनी है। तो मैंने शाम को अभी वीडियो एडिटिंग करा था, मुझे याद आ गया मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ। इस वीडियो का इसी के साथ करते हैं एंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और यार वो दिखा, एक मिनट बाइक दिखा, ये देखो यार ये बाइक जा रही है, इसका शोर नहीं आ रहा होगा इस माइक की वजह से। अगर ये माइक ना लगाया होता तो ये सारा आईफोन जो है इसको रिकॉर्ड करना था, इसने नॉइज़ कैंसिलेशन कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। और पहली बात, आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी करके जाना और बेल आइकन को ऑल पे हिट करके जाना है, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।